अस्सलामुअलैकुम यम्मी कुकिंग रेसिपीज़ में वेलकम। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी खट्टे बैगन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक अदद हमने यहाँ पे बैगन ले लिया है, इनको इस तरीके से चॉप कर लिया है। यहाँ पे हमने एक अदद जो टमाटर है इनको दो हिस्सों में इस तरीके से हमने काट लिया है। यहाँ पे 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून पिसी धनिया है, 1/2 टीस्पून जीरा है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 अदद प्याज है इनको हमने चॉप कर लिया है, और 2 टेबलस्पून दही है, और 1/2 कप यहाँ पे हमने हरा धनिया ले लिया है, और नमक लेंगे हसबे ज़रूरत। तो सबसे पहले 1/2 कप हम ऑयल ऐड कर देंगे। इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे हम, इन्हें फ्राई कर लेंगे हम। तो हमने 1 मिनट तक जो है फ्राई कर लिया था, प्याज जो हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे, पिसी धनिया ऐड कर देंगे, कुटी हुई लाल मिर्च है, इन्हें मिक्स कर लेंगे। तो अब इसके अंदर हम टमाटर और काली मिर्च ऐड कर देंगे, जीरा भी ऐड कर देंगे और इन्हें मिक्स कर लेंगे। तो इसके अंदर हम 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसे 5 मिनट तक जो पका लिया था, अब इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। तो इसके अंदर अब हम बैगन ऐड कर देंगे, हमने इसको 5 मिनट तक पका लिया था। मिक्स कर लेंगे। तो इसके अंदर जो है हम 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे। हमने जो है 5 मिनट तक जो है बैगन को भून लिया था, और अब जो है हम इसे 10 मिनट तक के लिए पका लेंगे। देखिए 10 मिनट तक जो हमने इसे पका लिया था, अब इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे हसबे ज़रूरत, इन्हें मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसे 10 मिनट तक जो है पका लिया था, अब इसके अंदर हम हरा धनिया ऐड कर देंगे, और ये बिल्कुल रेडी है, सब हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारे मज़ेदार से खट्टे बैगन जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो उस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह अब मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।